कंप्रेसर का एक टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, जहां पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होती है, कंटिन्यूअसली पिस्टन रेसिप्रोकेट होता है सिलेंडर के अंदर और वॉल्यूम रिडक्शन की वजह से प्रेशर राइज होता है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अलावा एक अलग टाइप जो है कंप्रेसर का, वो है रोटरी कंप्रेसर। तो आज के वीडियो में मैं इन रोटरी कंप्रेसर के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं रोटरी कंप्रेसर की, और रोटरी कंप्रेसर को हम कैसे क्लासिफाई करके करते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो रोटरी कंप्रेसर की जब बात करते हैं, तो क्या डिफरेंस है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और रोटरी में? रेसिप्रोकेटिंग में हमें पता है कि सिलेंडर है, सिलेंडर के मिस ओवरहेड जो पार्ट है वहाँ वाल्व्स की अरेंजमेंट है, पिस्टन रेसिप्रोकेट होता है। यहाँ ऐसा कोई भी अरेंजमेंट रोटरी कंप्रेसर में नहीं है। रोटरी कंप्रेसर में मेन जो एलिमेंट है या मेन जो पार्ट है वो रोटर है, रोटेटिंग एलिमेंट, और रोटरी प्रिंसिपल की वजह से यहाँ प्रेशर राइज होता है। और यहाँ जो रोटर है, रोटेटिंग एलिमेंट जिसको कहते हैं, उसको जो स्पीड मिलती है वो प्राइम मूवर की वजह से मिलती है। कंप्रेसर चलाने के लिए प्राइम मूवर चाहिए। प्राइम मूवर में मानो कि हमारा इलेक्ट्रिक मोटर है, तो इलेक्ट्रिक मोटर की वजह से जो स्पीड है वही स्पीड रोटर को मिलेगी, एंड रोटर रोटेट्स एट वेरी हाई स्पीड। जब बात करते हैं कंपैरिजन की रेसिप्रोकेटिंग के सापेक्ष में, तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की साइज बहुत बड़ी होती है, क्योंकि सिलेंडर है, पिस्टन अरेंजमेंट है, कई बार मल्टी स्टेज होते हैं तो और भी कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट होती है। कंपेयर टू रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, द साइज ऑफ रोटरी कंप्रेसर इज वेरी स्मॉल, तो स्मॉलर साइज है। और मेन जो डिफरेंस है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में, जो प्रेशर मिलता है डेट इज अ हाई प्रेशर, लेकिन जो क्वांटिटी ऑफ एयर डिलीवर्ड होती है वो क्वांटिटी बहुत ही कम है, तो वॉल्यूम इतना नहीं मिलता है लेकिन प्रेशर राइज ज्यादा होता है। यहाँ कंप्लीटली रिवर्स है रोटरी कंप्रेसर में। रोटरी कंप्रेसर में प्रेशर इज लो प्रेशर और मीडियम प्रेशर अप टू 10 बार, लेकिन जो क्वांटिटीज ऑफ एयर डिलीवर्ड जो होती है, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एयर इज डिलीवर्ड अबाउट 2-3000 m³/min, इतनी ज्यादा क्वांटिटी कंटिन्यूस सप्लाई की वजह से रोटरी कंप्रेसर से डिलीवर्ड होती है। तो ये है कंपैरिजन की बात रोटरी और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के लिए। जब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की या टाइप्स ऑफ रोटरी कंप्रेसर, तो बेसिकली देर आर टू टाइप्स रोटरी कंप्रेसर के, मेन टू टाइप्स है। एक है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर और दूसरा है रोटोडायनेमिक कंप्रेसर। अभी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर किसको कहेंगे? तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मीन्स हियर द प्रेशर इज इंक्रीज्ड एट द कॉस्ट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम स्क्वीज होगा, वॉल्यूम रिडक्शन होगा और उसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज होता है, तो ये वो है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। रोटोडायनेमिक या डायनेमिक जिसको कहते हैं, उसमें वॉल्यूम रिडक्शन के साथ कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ एनर्जी कन्वर्जन टेक्स प्लेस। तो प्राइम मूवर की वजह से जो वेलोसिटी मिलती है, तो हाई स्पीड की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होगी वही काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन होगा प्रेशर एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी कम होगी प्रेशर बढ़ेगा, तो उस प्रकार के कंप्रेसर को हम कहते हैं रोटोडायनेमिक कंप्रेसर या डायनेमिक कंप्रेसर। तो रोटरी कंप्रेसर होने के बावजूद ये दो प्रकार है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का जो हमारा क्लासिफिकेशन था उसके साथ जुड़ा हुआ है, और रोटोडायनेमिक, यहाँ भी रोटर है लेकिन एनर्जी कन्वर्जन टेक्स प्लेस। तो रोटरी कंप्रेसर तो सेम है, मीन्स रोटेटिंग एलिमेंट है, लेकिन काम करने की पद्धति या तरीका अलग है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो देर आर फोर टाइप्स ऑफ रोटरी कंप्रेसर्स। एक है जिसको कहते हैं रूट्स ब्लोअर, दूसरा है वेन टाइप, तीसरा है स्क्रू कंप्रेसर और फोर्थ है स्क्रोल कंप्रेसर। जबकि डायनेमिक कंप्रेसर की बात करते हैं, तो देर आर टू टाइप्स, सेंट्रिफ्यूगल फ्लो कंप्रेसर जिसको हम रेडियल फ्लो कंप्रेसर भी कहते हैं, और दूसरा है एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। तो ये दोनों कंप्रेसर ऐसे हैं जहां एनर्जी का कन्वर्जन होता है और हमें प्रेशर मिलता है। तो ये बात हुई क्लासिफिकेशन की। अभी थोड़ा नटशेल में समराइज कर देते हैं, तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर किसको कहेंगे? जहां एयर एंट्रेप्ड होती है और प्रेशर राइज मिलता है, और समझो कि मानो कि रूट्स ब्लोअर है, तो रूट्स ब्लोअर में बैक फ्लो ऑफ एयर की वजह से प्रेशर इंक्रीज होता है, एयर का बैक फ्लो होता है और उसकी वजह से प्रेशर राइज मिलता है। जबकि वेन कंप्रेसर है, तो उसमें दोनों प्रकार का
का फंक्शन होता है, बैक फ्लो ऑफ एयर भी होती है, और स्क्वीजिंग मीन्स स्क्वीज होता है दोनों कॉन्जिक्यूटिव ब्लेड्स की बीच में जो पैसेज है, नैरो पैसेज, उसमें स्क्वीजिंग की वजह से भी प्रेशर राइज मिलता है, तो ये वेन कॉम्प्रेसर है। इसके अलावा भी दो कॉम्प्रेसर है, स्क्रू कॉम्प्रेसर एंड स्क्रोल कॉम्प्रेसर, वो आगे आने वाले वीडियो में डिटेल में हम समझने वाले हैं। और जब डायनेमिक कॉम्प्रेसर्स की बात करते हैं तो यहाँ कंटिन्यूस फ्लो है, एयर एंट्रेप्ट होती है और इंटरमीडिएट सप्लाई मीन्स थोड़ा नॉन कंटिन्यूस फ्लो ऐसा नहीं मिलता है, कंटिन्यूस फ्लो मिलता है रोटर घूमने की वजह से। यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी मिलती है, काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड टू द इम्पेलर, जो रोटेटिंग एलिमेंट इम्पेलर है जिसको प्राइम मूवर की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ इम्पेलर को मिलती है, वही काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन होता है प्रेशर एनर्जी में, पार्शियली इन रोटर एंड मेनली इन डिफ्यूजर। थोड़ा सा रोटर में प्रेशर एनर्जी में कन्वर्जन होगा और मेन पार्ट जो कन्वर्जन होता है वो डिफ्यूजर में होता है। तो ये डायनेमिक कॉम्प्रेसर है जहाँ कंटिन्यूस फ्लो मिलता है। तो ये बात हुई रोटरी कॉम्प्रेसर्स की। तो हमने ये देखा कि रोटरी कॉम्प्रेसर्स के टाइप्स कितने हैं, क्या डिफरेंस है रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर के साथ, और अरेंजमेंट में क्या बदलाव है। स्टूडेंट्स, आज इसके साथ में एक नया सिस्टम लेके आ रहा हूँ। आपको पता है कि रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर्स में हमने न्यूमेरिकल्स भी देख लिए, टर्मिनोलॉजी भी समझ ली है, तो उसके बेस पर मैं आज एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, और उस क्वेश्चन को आप चैलेंज मान के उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं डेटा दे रहा हूँ, डेटा इस प्रकार है, पॉलीट्रॉपिक कॉम्प्रेशन जो है रेसिप्रोकेटिंग में उसका इंडेक्स ऑफ कॉम्प्रेशन है 1.35, इनिशियल प्रेशर जिसको हम P1 कहते हैं वो है 1.013 बार, फाइनल प्रेशर जो है वो 7 बार है मीन्स P2 है, इनिशियल वॉल्यूम V1 जिसको कहते हैं वो है 1 m³/min, उसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अभी दिया है 1 m³/min। आपको वर्क डन फाइंड करना है, वर्क डन कहे या इंडिकेटर पावर कहे, लेकिन वो फाइनल आंसर किलोवाट में आना चाहिए। आप खुद कैलकुलेट कीजिए, आंसर फाइंड कीजिए, अगर फंडामेंटल्स क्लियर है तो आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा, वही आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, एंड आई विल डिस्प्ले योर नेम्स एंड द करेक्ट आंसर इन द वीडियो ऑफ नेक्स्ट वीक, वो मैंने यहाँ लिखा है, राइट योर आंसर ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू इन द कॉमेंट सेक्शन, करेक्ट आंसर एंड नेम ऑफ व्यूअर्स विल बी गिवन इन द वीडियो ऑफ नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक में जो वीडियो आएगी इसमें सॉल्यूशन भी मैं देने वाला हूँ और नाम भी डिस्प्ले होंगे। तो कोई डाउट है इसके अलावा आप, और आपकी ओर से कोई सजेशन है कि कोई टॉपिक में डिफिकल्टी है तो भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।